कौन से इंस्क्रिप्शन हैं और वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती जाऊँगी, वो आप लोग देखते जाना, ठीक है। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ऑन अर्ली 4th century BC पॉटशेट फाउंड एट अनुराधापुरा, जस्ट 1 सेकेंड, फाउंड एट या दिस वन अनुराधापुरा इन श्रीलंका हैव गिवन इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट इन अ प्री मौर्यन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्ली 4th century BC पर हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं श्रीलंका के अनुराधापुरा में, जहाँ पे यूज़ किया गया है ब्रह्मी स्क्रिप्ट का। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट के एविडेंस के तौर पर प्री मौर्यन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले एविडेंस हमें मिलते हैं अनुराधापुरा से, ठीक है, श्रीलंका में 4th century BC के। तो कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो पिपरावा कास्केट इंस्क्रिप्शन है और जो सोहगौरा इंस्क्रिप्शन है और जो महास्थान इंस्क्रिप्शन है, तीन है, पिपरावा कास्केट, सोहगौरा और महास्थान इंस्क्रिप्शन, ये प्री मौर्यन हो सकते हैं और मौर्यन भी हो सकते हैं। और दूसरे लोग जो हैं जो इन्हें अशोका के टाइम से कंटेम्प्रेरी मानते हैं, कुछ इन्हें पोस्ट मौर्यन भी मानते हैं। एक फ्रैगमेंट्री सांची इंस्क्रिप्शन है, यानी टूटा हुआ सांची इंस्क्रिप्शन है, जो कि बिंदुसार का नाम का उल्लेख करता है ना। तो हो सकता है हम ये मान सकते हैं कि ये मौर्य रेन के दौरान ही होगा, शायद उसी पीरियड का है शायद। इसी तरीके से जो इंस्क्राइबिंग की जो प्रैक्टिस है किसी भी स्टोन पे, वो हमें अशोकन रेन का ही एक फीचर है। इसी तरीके से जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया था, जिस पीरियड में जेम्स प्रिंसेप जो है वो उसको पढ़ने में सफल हो जाते हैं अशोकन ब्रह्मी एडिक्ट्स को, तो ये इमिजिएटली क्लियर नहीं हुआ उनको कि ये किंग ये किस किंग की बात चल रही है, इन इंस्क्रिप्शन में किस किंग की बात हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें अशोक को दो नाम से बुलाया गया है, एक है देवमपिया ब्लविड ऑफ द गॉड्स और दूसरा है पियादासी यानी ही हु लुक्स ऑन ऑस्पिशियसनेस, ठीक है, यानी कि जो शुभ अशुभ की तरफ ध्यान देते हैं। अब जो अगर हम दीपावंसा और महावंसा की तरफ देखें, दीपावंसा और महावंसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, तो अगर हम इनकी तरफ देखें तो जो कि जिन्होंने इन एपिथेट्स को यूज़ किया अशोक के लिए, यानी ये पियादासी और देवमपिया, तो हमें क्रूशियल क्लूज प्रोवाइड करते हैं मिलते हैं इस मिस्ट्री के लिए। लेटर डेकेड्स में जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 के जो क्या कह सकते हैं वर्जन्स हैं, जिनके अंदर पर्सनल नेम है किंग अशोका का, ठीक है, वो सबसे पहले हमें मिलते हैं मस्की में, और उसके बाद में हमें उदेगोलान में मिलते हैं, फिर निटूर में मिलते हैं और फिर गुजरा में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमें अशोका नेम मिलता है वो मिलता है माइनर रॉक एडिक्ट 1 में। इसके बाद में जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में हैं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है ना। तो जो हमें मिले हैं मानसेरा में और शहबाजगढ़ी में, ये दो जगहें हैं, ये दोनों प्राकृत लैंग्वेज में हैं और खारोशिथी स्क्रिप्ट में है, ठीक है, और कुछ इंस्क्रिप्शंस ग्रीक और अरमाइक में भी हैं, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कुछ इंस्क्रिप्शंस ग्रीक और अरमाइक में भी हैं। एक बायलिंगुअल ग्रीक अरमाइक इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है, जो हमें कहाँ मिलता है, शरीकुना में मिलता है ना। शरीकुना कहाँ है, कांधार के पास है, साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में, ठीक है। इसी तरीके से दो अरमाइक इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं लागमान में, जो कि ईस्ट अफगानिस्तान में है, और एक हमें मिलता है तक्षशील में, है ना। और एक बायलिंगुअल प्राकृत अरमाइक इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है लंपका में, जो कि और एक और मिलता है कांधार में। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें से मेन कैटेगरीज में 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स और 6 जो हैं वो पिलर एडिक्ट्स, या कभी कभी 7 भी हैं पिलर एडिक्ट्स। जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स हैं वो इंस्क्रिप्शन का सेट हैं, जो कि माइनर वेरिएशंस के साथ अलग अलग जगह हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ हम बात करें द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस एंड देयर लोकेशंस। अशोकन इंस्क्रिप्शन की डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और इनकी अलग अलग लोकेशंस क्या हैं। तो जो सेट ऑफ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स और पोर्शंस
देयर ऑफ अकर्स एट, जो अलग अलग सेट है वो कहाँ कहाँ में मिलते हैं। सबसे पहले हमें मिलते हैं कांधार में, कांधार डिस्ट्रिक्ट है साउथ अफगानिस्तान का, जिसमें हमें रॉक एडिक 12 और 13 के कुछ पोर्शन मिलते हैं। फिर हमें शाबाजगढ़ी में मिलता है, जो कि पेशावर डिस्ट्रिक्ट में है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है NWFP पाकिस्तान का, वहाँ हमें मिलता है। फिर हमें मिलता है मानसेरा में, मानसेरा जो है वो हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में है NWFP पाकिस्तान, ठीक है। फिर हमें मिलता है कलसी में, कलसी देहरादून में है, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है ना। फिर हमारा है गिरनार में, गिरनार जो है वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। फिर हमें मिलता है बॉम्बे, बॉम्बे सोपारा, जो कि ओरिजिनली सोपारा में था, थाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, अब वो जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, यहाँ पे रॉक एडिक्ट 8 और 9 के हमें सिर्फ फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। फिर हमें धौली में मिलता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उड़ीसा में है, जो कि यहाँ सेपरेटेड रॉक एडिक्ट 1 और 2 हमें मिलते हैं, जो कि मेजर रॉक एडिक्ट 11 और 12 को रिप्लेस करते हैं। इसके बाद हमें जोगाड़ा, जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, जो कि रॉक एडिक्ट 1 और 2 को सेपरेट करता है, वो हमें मिलता है, और ये फिर 11 और 13 को रिप्लेस करता है। फिर इसके बाद में हमें मिलता है इरागुड़ी, जो कि कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ हमें एक मिलता है। फिर मिलता है हमें सन्नती में, जो कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक पोर्शन है रॉक एडिक्ट 12 और 13 का, और सेपरेट रॉक एडिक्ट 1 और 2 जो हमें मिलते हैं वो ग्रेनाइट स्लैब में मिलते हैं मेडिवल गॉडेस टेम्पल में। और ये जो 6 का जो सेट है, जो कि हम देखते हैं कभी कभी 7 का भी हो जाता है प्लर एडिक्ट का या उनके पोर्शंस का, वो हमें मिलता है कांधार में, कांधार डिस्ट्रिक्ट में, जो कि साउथ अफगानिस्तान में है, और इस प्लर के एडिक्ट 7 के हमें सिर्फ कुछ पोर्शंस मिलते हैं। इसी तरह दिल्ली में हमें मिलता है दिल्ली तोपरा पिलर, जो कि ओरिजिनली तोपरा में है, तोपरा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में से बिलोंग करता है, और यह पिलर जो है इसके 7 एडिक्ट हैं। फिर दिल्ली जो दिल्ली मेरठ पिलर है, जो कि ओरिजिनली मेरठ में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। फिर इलाहाबाद हम देखते हैं, इलाहाबाद कोसम पिलर है, जो कि प्रोबेबली ओरिजिनली कोसम में रहा होगा, कौशम्बी है ना, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। फिर लौरिया अरारज है, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। फिर लौरिया नंदनगढ़ है, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। फिर रामपुरवा है, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। जो माइनर रॉक एडिक्ट है MREs, वो हमें मिलते हैं बाहापुर, श्रीनिवासापुरी न्यू दिल्ली MRE 1, फिर बैरत जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान MRE 2, फिर अहरौरा जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का MRE 1, फिर सहसराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार MRE 1, गुजरा दातिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश MRE 1, रूपनाथ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट MP MRE 1, पनगुरारिया सेहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश MRE 1, मस्की रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक MRE 1, फिर गाविमथ रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक MRE 1, फिर पालकीगुंडू रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक MRE 1, फिर निट्टूर बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक MRE 1 और 2 मिलते हैं हमें, माइनर रॉक एडिक्ट 1 और 2 मिलते हैं। फिर उदेगोलान बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड 2, फिर राजूला मंदागिरी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड 2, फिर इरागुड़ी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड 2, फिर ब्रह्मगिरी चित्रा दुर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड 2, सिद्धापुरा चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड 2, फिर जतिंगा रामेश्वरा चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड 2। तो जैसे कि हम माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस की जब हम बात करते हैं, तो हमें वहाँ पे स्कीज्म एडिक्ट के वर्जन्स मिलते हैं, जो कि हमें सांची में मिलते हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और सारनाथ यानी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, कौशम्बी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, और कोमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें निगाली सागर में मिलते हैं, रुमिंदी में मिलते हैं जो कि भैरवा डिस्ट्रिक्ट में है नेपाल के, और एक फ्रेगमेंट्री इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि अशोकन हो भी सकता है, जो कि अमरावती में मिलता है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, और 3 केव इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं अशोकन टाइम के, जो कि हमें
बाराबार हिल्स के केव में मिलते हैं जो कि गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और एक डोनेटिव एडिक्ट मिलता है अशोकन क्वींस का जो कि हमें अलाहाबाद कोसम पिलर में मिलता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं दैट डिफरेंट बहुत सारे हमें रॉक एडिक्ट मिल रहे हैं, पिलर एडिक्ट मिल रहे हैं, केव इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। तो जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं उनको अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है, और जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि उनके बाद आए, और उसके बाद में जो पिलर एडिक्ट्स हैं जो और बाद में आए। कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो ऐसे इवेंट्स को रिफ़र करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स का रेफरेंस भी लिया गया है जो कि अशोका के अभिषेक के बाद इंस्क्रिप्शंस एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, कंसेक्रेशन सेरेमनी के बाद। इसके बाद में अशोकन एडिक्ट्स यूनिक क्यों हैं और रॉयल इंस्क्रिप्शंस की तरह हम इन्हें कंसिडर क्यों नहीं करते दूसरे रॉयल इंस्क्रिप्शंस की तरह जो लेटर टाइम्स के हैं जो कि कन्वेंशनल पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये उनसे अलग हैं और काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। और पैटर्न ऑफ फ्रेजियोलॉजी इनकी यूनिक है कन्वेंशनल पैटर्न से